एप्पल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंपनी फॉक्सकॉन अब भारत में बहुत बड़े स्केल पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है अंडर पीएलआई स्कीम। इसके साथ में जो ओवरऑल बिजनेस है वो 5 बिलियन US डॉलर का रहने वाला है, जो कि इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि शाओमी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है वो दुनिया की सेकंड पोजीशन पर है इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, लेकिन फॉक्सकॉन एक ताइवान की कंपनी है और ये अलग अलग ब्रांड्स के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और शाओमी के मोबाइल्स को भी ये कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है। इस वजह से शाओमी सेकंड पोजीशन पर आ चुकी है। सो इन सब बातों को रखते हैं साइड में, हम बात करते हैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। सो यहाँ पर एप्पल और सैमसंग ने टारगेट बनाया है वर्ष 2022 के अंदर भारत में 5 बिलियन US डॉलर के हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग की जानी है, जो कि इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है देश की आईटी मिनिस्ट्री से। और ये भारत के बीते हुए सभी फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि 5 बिलियन लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की जानी है और एक्सपोर्ट भी होने वाले हैं। और इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग को भारत में दावा देने का काम किया है पीएलआई स्कीम ने। वहीं इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए पीएलआई स्कीम काफी ज्यादा बेनिफिशियल रही है। वैसे जब गवर्नमेंट ने इसके कुछ इनविटेशन जारी किए थे तो यहाँ पर 5 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें शामिल हैं सैमसंग, एप्पल, पेगाट्रॉन, फॉक्सकॉन, इसी के साथ में वेस्टर्न एंड फॉक्सन की यूनिट राइजिंग स्टार। लेकिन उसमें से फाइनली 2 कंपनियों ने डिसीजन ले लिया है फॉर द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। और अगर हम फॉक्सकॉन की खासियत के बारे में बात करें तो कंपनी यूनिट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ डिवाइस लेस देन 15,000। सो ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो ये बहुत ही मिनिमम प्राइस है किसी भी डिवाइस के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और करंटली बात करें तो सैमसंग और एप्पल दोनों के मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाती है। एप्पल की फैक्ट्री में अभी थोड़े से इशू चल रहे हैं जिस वजह से मैन्युफैक्चरिंग अभी पॉज है, बट फॉक्सकॉन के द्वारा इन दोनों कंपनियों की जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत से बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर होगी, या फिर कहें बहुत ही ज्यादा होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग हब के तहत एक थर्ड पार्टी के जरिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगी, साथ ही में देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी भी देश के अंदर इम्प्रूव होगी। इसके साथ में एक्सपोर्ट होने पर हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि मोबाइल फोन को मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और भारत में हर एक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इसलिए कंपनियों को कुछ कंपोनेंट्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर वो कस्टम ड्यूटीज भी देंगी और उससे भी हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। सो ताइवान की फॉक्सकॉन की इस भयंकर एंट्री के बारे में आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।